यदि राजनीतिक संदेशों से चलती है तो बीजेपी और एनडीए के लिए दिवाली पे अच्छी खबर नहीं है। कर्नाटक के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। आखिर बीजेपी इतनी जल्दी कैसे इतनी महत्वपूर्ण सीटें हारी, सोचिए आप भी, मैं बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल कर्नाटक में 3 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पे जो चुनाव हुए थे उसके जो नतीजे आए हैं वो 4-1 के आए हैं, यानी कि 4 सीटों पे कांग्रेस और जीडीएस जीती है और सिर्फ 1 सीट मिली है बीजेपी को। सबसे महत्वपूर्ण सीट जो बीजेपी हारी है वो बेलारिया है। बेलारी जो है रेड्डी बंधुओं का गढ़ कहा जाता था, वहाँ पे न सिर्फ बीजेपी हारी है बल्कि बहुत बुरी तरह से हारी है। शिमोगा में जैसे तैसे बीएस येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र ने जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन वह अपने पिता के जीत के मुकाबले बहुत छोटी जीत है। वो लगभग 3,63,000 वोटों से जीते थे और वो सिर्फ 47,000 वोटों से जीत पाए हैं। जहाँ तक विधानसभा की सीटों की बात है, जामखंडी और रामनगर, ये दोनों सीटें भी उसके हाथ से निकल गई है। तो जामखंडी को लेकर के खुद बीएस येदियुरप्पा ने काफ़ी दुख जताया कि बेलारी और जामखंडी हारने का उन्हें बहुत दुख है। बेलारी चला गया है कांग्रेस के पास, आज जबकि मांड्या जेडीएस के पास था, बहुत पहले रहा करता था और वो जेडीएस के खाते में आ गया है। अब इस जीत से जेडीएस और कांग्रेस का उत्साही होना स्वाभाविक है। वो जेडीएस कह रहा है कि कर्नाटक में 28 सीटें हैं और लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, तो हम कांग्रेस के साथ मिल करके सभी सीटें जीतेंगे। जबकि वहाँ पे जो सिद्धारमैया हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है। इसको लेकर के केंद्र स्तर पे भी हलचल हुई है, सिर्फ कर्नाटक कहीं नहीं। अब चिदंबरम, जो कि एक तरह से बीजेपी के नीतियों के और कांग्रेस में एकदम कटु आलोचक नेताओं में गिने जाते हैं, वो कहते हैं कि ये जीत कुछ वैसे ही है जैसे विराट कोहली के नेतृत्व में 4-1। तो जिस दौर में बीजेपी जो कर्नाटक का चुनाव हुआ था वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस जेडीएस में कांटे का मुकाबला हुआ था और तीनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। बाद में वो कर्नाटक बेंगलुरु का ही वो मंच था जहाँ पे जब चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस में समझौता हुआ, सरकार बनी, तो पहली बार विपक्ष, बहुत दिनों बाद विपक्ष का एक तरह से जमावड़ा हुआ था और ये हुआ था कि यहाँ से जो है विपक्ष एक होकर के बीजेपी को मुकाबला देगा। और उसी नीति के तहत कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, मतलब खास बात ये मानी जा रही है, हालांकि उपचुनाव में जिसकी सरकार होती है उसकी जीत होती है, लेकिन जिस तरह से बेलारी निकला है और जो वोटों का मार्जिन है, ये दोनों चीज़ें बीजेपी के लिए चिंताजनक है, इसमें सोचने वाली बात है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।